अपनी अच्छाइयों की वजह से ही कोई याद किया जाता है। राणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक को आज कौन नहीं जानता। और हाँ, घोड़े चेतक को तो मैं तब से जानता हूँ जब एक छोटा सा बच्चा था, नीला बछेरा। मालिक मालिक, बहुत खतरनाक है नीला बछेरा। अरे सबर से काम ले अमीरा। अरे नीलू, आ आ इधर आ। देखा, प्यार से प्यार बढ़ता है। अच्छा बच्चों चलें। अरे नालायक युवराज जी, आपके लिए तो बड़ा बांका घोड़ा चाहिए। घोड़े का सौदागर इंतजार कर रहा है युवराज। चलो देखते हैं। मेवाड़ के युवराज की जय। खिदमत में कुछ चुने हुए घोड़े लाया हूँ। हुजूर देखे, अच्छी अच्छी नस्ल के घोड़े हैं। घोड़ा तो जानदार दिखता है। सवारी करके देखो जनाब। हाँ, सवारी करके देखो भीराज। हुजूर, ये शाही नस्ल का घोड़ा है, इसे देखें। वाह वाह। बात नहीं बनी। अरे नीलू बछेरा, जरा सबर कर बेटे। बड़ा अजीब घोड़ा है ये, मगर ये बेलगाम क्यों है? सरकार, ये जरा जंगली जानवर है ना। जंगली तो क्या हुआ, इसे भी देखो। मालिक ये किसी काम का नहीं। अरे बाप रे, ये बात है। आज तक इस पर किसी ने सवारी नहीं की मालिक। बहुत खूब। गजब हुजूर, गजब। शाबाश बहादुर, शाबाश। क्या बात है, क्या बात है। सौदागर, ये घोड़ा आज से हमारा हुआ। बहुत जानदार घोड़ा है ये। आज से हम इसे कहेंगे चेतक। ए ए, चल बे घोड़े, ठीक से खड़ा हो, नहीं तो खाल उधेड़ दूंगा। ये घोड़ा बहुत खतरनाक है युवराज, बहुत खतरनाक। हाँ तो तेरे पर सवारी करूं? चिरायु हो माता, मुझे आज्ञा दें। जाओ पुत्र, पर नया घोड़ा लेकर न जाना। क्यों माता? सुना है वो जंगली है, भरोसेमंद नहीं है।
नहीं माता, वो ठीक है, आप निश्चिंत रहें। चेतक, मेरा चेतक कैसा है? ठीक है वो, पर क्या? ठीक है वो, पर उसने खाना पीना छोड़ दिया है। अच्छा, अरे बेचारा। अरे अरे, आप हिलिए नहीं, काफी कमजोर हैं आप। मैं उसे जाकर देखना चाहता हूँ। ठहरिए आप, हम उसे यही बुलवाए लेते हैं। चेतक, मेरे प्यारे चेतक, चेतक तूने खाना क्यों छोड़ा है? तू खाएगा नहीं तो कमजोर हो जाएगा। अरे अपने देश की स्वाधीनता के लिए हमें बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़नी है, इसके लिए बलवान बनना है। ले खा ले चेतक, खाना नहीं छोड़ना, ले खाना। प्रताप बेटे, देखो कौन आया है। प्रणाम मामा जी। कैसे हो युवराज? अच्छा हूँ। प्रताप, क्या कहूँ, चित्तौड़गढ़, मेवाड़ की प्यारी राजधानी ध्वंस हो गई। क्या कह रहे हैं आप? हाँ प्रताप, मुगल बादशाह अकबर ने राजपुताने के इस गौरव स्थल को नेस्त नाबूद कर दिया और किले वालों को जौहर करना पड़ा। हे महादेव सर्वनाश, अपनी मातृभूमि की ये दुर्दशा सुनी नहीं जाती। अफसोस कि हम किले की रक्षा के लिए न पहुंच सके। चिंता केवल चित्तौड़ की नहीं, पूरे मेवाड़ की स्वतंत्रता की है। बादशाह तो चला गया, पर देश की बर्बादी के लिए अपने सेनापति को छोड़ गया है। मुझे अब लड़ना होगा। लेकिन बेटे तुम्हारी तबीयत। नहीं माँ, अब मैं पड़ा नहीं रह सकता। शक्ति सिंह भामाशाह, रणभेरी बजने दो, रणचंडी को जगने दो। प्रणाम पुरोहित जी। कल्याणमस्तु। जुग जुग जियो मेरे लाल। युवराज की जय। आओ भामाशाह, विजय का समाचार सुनकर बापू महाराज तो बहुत प्रसन्न हुए होंगे, क्यों बोलते क्यों नहीं भामाशाह? महाराणा जी अब और युद्ध करना नहीं चाहते हैं। अर्थात हम शत्रु से हार मान लें? बापू महाराज उल्टा सोच रहे हैं। महाराणा की आज्ञा है कि विजय में मिला हुआ धन उन्हें वापस भेज दिया जाए। धिक्कार है बापू को। शक्ति, बापू महाराणा की निंदा ठीक नहीं। कौन से बापू की? जो लालची है, कायर है, पक्षपाती है। शक्ति, ऐसे बाप के होने से तो हमारा अनाथ होना भला था। अरे दुष्ट, दूर हो जा मेरी निगाहों से। इतना ही बुरा हूं तो जाता नहीं दूंगा तुम्हें। शक्ति, उसे जाने दो मां। युवराज, सुना है कुमार शक्ति सिंह जी मुगलों से जा मिले हैं। क्या शक्ति शत्रु से जा मिला? दुर्भाग्य हमारा। प्रणाम युवराज जी, गोगुंदा से बहुत बुरी खबर आई है। महाराणा उदय सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। हे महादेव, धैर्य रखो युवराज। सिसोदिया कुलभूषण महाराणा प्रताप की जय। मेवाड़ाधिपति स्वतंत्रता सूर्य महाराणा प्रताप की जय। प्रिय सरदार, सामंतगण और प्रजागण, राज तिलक के इस शुभ अवसर पर आप सबको धन्यवाद।
जिन आशाओं और आकांक्षाओं से आपने मुझे अपना नेता चुना है उन्हें मैं प्राणपण से पूरा करूंगा। भगवान महादेव को साक्षी रखकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक शत्रुओं को मेवाड़ से निकालकर बाहर नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। महाराज की जय हो। हमारे शत्रु मानसिंह काबुल से वापस आते हुए रास्ते में महाराणा को प्रणाम करने आना चाहते हैं। मेहमान का स्वागत करना हमारी परंपरा है, उन्हें आने दिया जाए। जैसी आज्ञा। अंबर नरेश महाराज मानसिंह का स्वागत है। मेवाड़ के युवराज कुमार अमर सिंह का प्रणाम स्वीकार करें महाराज अमर सिंह। अंदर चले महाराज। युवराज, मैं यहाँ महाराणा प्रताप जी को प्रणाम करने आया हूँ। वे नहीं आ सकेंगे, उनके सिर में दर्द है महाराज। दर्द है? महाराज आप अंदर चले, भोजन तैयार है। पर भोजन तो मैं महाराणा के साथ ही करूँगा। मजबूरी है महाराणा, तो सिरदर्द के कारण। महाराणा के सिर दर्द का कारण क्या है मैं समझ रहा हूँ। अच्छा तो हम वापस जाएंगे। महाराज मानसिंह क्या इस तरह से चले जाओगे? हाँ राणा जी, चला जाऊंगा और जल्दी ही आपके सिर दर्द की दवा लेकर लौटूंगा। ठीक है, तो स्वागत के लिए हमेशा हमें तैयार भी पाओगे। साथ में अपने फूफा शहंशाह अकबर को भी लेते आना। महाराजा की जय। राजा मानसिंह वापस आ रहे हैं बड़ी धूमधाम के साथ, साथ में उनका भांजा शहजादा सलीम भी है। उनके स्वागत की जोरदार तैयारियां हो। मेवाड़ के वीर सेनानी पूरी तरह तैयार है महाराणा। हम ये युद्ध हल्दी घाटी में लड़ेंगे, कूच का डंका बजा दिया जाए। के सूरज को डूबने से बचाइए, निकल जाइए। नहीं नहीं झाला, नहीं समझो भांजे, निकलो यहां से, बचो। चल उड़ जा बेटे चेतक, उड़ जा लेकर। मेरे प्यारे चेतक, तू मुझे छोड़कर चला गया, कितना साथ दिया तूने मेरा। अरे अभी और कितनी लड़ाइयां लड़नी है और तू चला गया। हाय चेतक, हाय। शक्ति सिंह, शक्ति तू? हाँ भैया, तुझे अब डरने की जरूरत नहीं। शक्ति तू वापस आ गया? हाँ मेरे भैया, मुझे क्षमा कर दो। देख शक्ति, देख मेरा प्यारा चेतक चल बसा, मेरा हमेशा का साथी मुझे अकेला छोड़कर चला गया, मुझे मौत के मुंह से बाहर लाकर अपनी कुर्बानी दे दी। नहीं भैया नहीं, चेतक
मरा नहीं है। उसने तो पशु होकर भी अपनी स्वामी भक्ति की जो मिसाल कायम की है उसके कारण वो अमर हो गया है।